सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना यार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। सर, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत ही जल्दी हमारा न्यू ईयर आने वाला है सर। हाँ। तो आई नो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि न्यू ईयर स्पेशल हमारी गेम में कौन सा नया इवेंट वगैरह देखने को मिलने वाला है। भाई मुंह की बात छील ले, टेंशन ना लो। आज की वीडियो में हम लोग न्यू ईयर इवेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ रिवॉर्ड्स हमें न्यू ईयर के इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी के अलावा और भी इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना, काफी मजा आएगा। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इंटरनेट अपडेट की, तो कल हमारी गेम में नया फीड व्हील इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को हमारी नई फीस्ट की जो स्किन है वो देखने को मिल जाएगी, जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में। और ये जो फीस्ट की स्किन है हमारी विंटरलैंड स्पेशल होने वाली है, साथ में कोई और छोटा मोटा रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। सो कल नहीं तो परसों आप लोगों को हमारी गेम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर्स के अंदर। ओके एंड इसके अलावा कोई लीक्स आ रही है कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमारी गेम में लकी व्हील इवेंट देखने को मिल सकता है। लकी व्हील इवेंट आपको पता है कि कितना बढ़िया इवेंट होता है, बहुत ही तगड़ा इसके अंदर डिस्काउंट मिलता है। मेरा तो फेवरेट डिस्काउंट इवेंट है ये, मिस्ट्री शॉप से भी अच्छा लगता है मुझे इवेंट। आप लोगों को इवेंट कैसा लगता है बताना। तो यहाँ पर लीक्स है कि इवेंट आप लोगों को हमारी गेम में जल्दी देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है कि आप लोगों को शायद OB43 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को भी इवेंट पसंद है तो उसके लिए अपने डायमंड वगैरह बचा के रख सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर जब आएगा तो रिवॉर्ड्स चेंज होंगे, ये वाले रिवॉर्ड्स नहीं आने वाले। ओके ठीक है, समझ गया। बाकी यार देखो, इसकी डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, जैसे इसकी डेट कंफर्म होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी बात करते हैं हमारे न्यू ईयर इवेंट की। तो वैसे देखो गाइस, हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम है हमारा न्यू ईयर इवेंट देखने को मिलता है, मतलब न्यू ईयर का कोई खास इवेंट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाहर के बहुत से सर्वर्स में हमारा विंटरलैंड का इवेंट, सॉरी हमारा न्यू ईयर का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। एंड बहुत सारा खास रिवॉर्ड्स तो न्यू ईयर के इवेंट में नहीं मिलते हैं, एंड अगर इंडिया के अंदर भी न्यू ईयर का इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा तो आप लोगों को बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स तो नहीं मिलेंगे। जैसे रिवॉर्ड्स आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, फ्री में करेक्टर्स हो गए, फ्री में आपको पेट्स देखने को मिल सकते हैं, उनकी स्किन्स देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ क्रेट्स वगैरह देखने को मिल सकती है। क्या बात है। एंड हो सकता है कि आपको कोई पुराना सा बंडल भी करें ना फ्री फायर फ्री में दे दे मिशन कंप्लीट करने के बदले में। इसमें चांस है कि आपको कोई पुराना ही बंडल फ्री में मिलेगा, बिकॉज न्यू ईयर का इवेंट वैसे सेलिब्रेट करते नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस किया भी तो कोई पुराना बंडल ही मिलने के ज्यादा चांसेस है। एंड हो सकता है कि आपको कोई नया भी ले दे, लेकिन उसके चांस बहुत ज्यादा कम है। एंड बाहर के कुछ सर्वर्स के अंदर तो हमारा मैजिक क्यूब भी फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर मैजिक क्यूब नहीं मिलेगा न्यू ईयर पे। मगर क्यों? बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर हमेशा दिवाली में मिलता है, तो इसलिए न्यू ईयर पे नहीं मिलने वाला। सहलेंगे थोड़ा सा। सो गाइस, मैजिक क्यूब तो किसी भी कीमत पे फ्री में नहीं मिलने वाला, उसको तो आप लोग माइंड से निकाल दो। लेकिन हाँ, यहाँ पर चांसेस है कि आप लोगों को हमारे जो मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट है वो जरूर से देखने को मिल जाएगा, बिकॉज सर जनवरी के मंथ में ही हमारा OB43 का अपडेट आने वाला है। तो या फिर OB43 अपडेट के बाद तो हमेशा से स्टोर अपडेट होती है, एंड अगर नहीं भी हुई तो आप लोगों को न्यू ईयर के टाइम पर अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कुछ पुराने बंडल देखने को मिलने वाले हैं, 3-4 जो कि मैंने आपको दिखाए थे पहले भी, अभी भी आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में 3-4 हमारे पुराने रेयर इनक्यूबेटर के बंडल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी बंडल्स आएंगे, लेकिन उनके अभी लीक्स नहीं आई है, जैसी आएंगे मैं आपको जरूर से बता दूंगी। मैजिक क्यूब अगर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को स्टोर में अपडेट तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड आई थिंक आप लोगों ने कोई ना कोई मैजिक क्यूब तो जरूर से बचा के रखा ही होगा, तो आपके पास कितने मैजिक क्यूब है कमेंट करके जरूर से बताना, मेरे पास तो यार एक भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। एंड इसके अलावा देखोगे, इस लास्ट में एक और फ्री का रिवॉर्ड है जो कि मोस्टली सभी सर्वर्स में फ्री में मिलने वाला है न्यू ईयर पे, वो है हमारा ये चश्मा, जिसके अंदर करीना फ्री फायर ने बहुत ही बुरा भेदभाव किया है। बिकॉज जब ये चश्मा आप लोग फीमेल के करेक्टर पे पहनाओगे तो आप लोगों को एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन जब इसी चश्मे को आप लोग पहनाते हो फीमेल के करेक्टर पे तो आपको कोई भी एनिमेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है? सो आई डोंट नो करीना फ्री फायर ने भेदभाव क्यों किया है हम लड़कियों के साथ, लेकिन यार क्या ही बोलूं, इसके लिए हम लोग माफ नहीं करेंगे करीना फ्री फायर को। बाकी यार आप लोगों को ये वाला चश्मा तो फ्री में मिल ही जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, और कुछ मिले ना मिले लेकिन ये चश्मा फ्री में मिल जाएगा। इतनी खुशी। और इसके अलावा इस आपके न्यू ईयर में क्या प्लान है कमेंट करके बताना, कौन सी बुरी आदत है जो तुम लोग छोड़ना चाहते हो इस साल आने वाले साल में, मुझे कमेंट करके बताना। मेरी तो बुरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा मतलब ईयरफोन लगा के गाने सुनती हूँ, एंड जब मैं वो गाने सुनने बैठ जाती हूँ तो मैं लिटरली इस दुनिया में होती नहीं, मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही होती हूँ। आई थिंक आप में से भी काफी लोगों के साथ ऐसा होता ही होगा, तो मैं तो बस यही वाली बुरी आदत छोड़ने का ट्राई करूंगी, बिकॉज इसकी वजह से मेरा काफी बार बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। बाकी आप लोग कौन सी बुरी आदत छोड़ने का ट्राई करोगे इस वाले आने वाले साल में, मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में लाइक करने पैर पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ सबसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।